मोदी जी आप झूठों के सरदार हैं, काम तो कुछ नहीं करते लेकिन गालियां देने का सीखे हैं। मोदी 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 क्या किए अभी? भाइयों और बहनों, मैं आपकी सेवा में आया हूं। इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे तो मैं ये कांग्रेस वाले जो काला धन बाहर रखे हैं वो मैं पूरा लाके आपके जोब में 15-15 लाख डालूंगा। ये बोले या नहीं बोले? मेहनत करे मुर्गा साहब और अंडा खाए फकीर साहब। मेहनत तो हम करें, ये मोदी आके सब खा रहा और उनके दोस्तों को भी खिला रहा। और एक नई बात उन्होंने खोली, अदानी और अंबानी टेम्पो में भर भर के कांग्रेस को पैसा भेज रही है। आज तक अदानी अंबानी को बोलते थे वो इस देश की संपत्ति बनाने में बड़ा काम किया है, उनको बोलना ये गद्दारी है बोलते थे। अरे मोदी मोदी इतना झूठ बोलता है? वो तो प्रधानमंत्री है, वो कैसा झूठ बोलेगा? आप झूठ बोल रहे हैं पैसे लेके। वो तो इतना हरिश्चंद्र का बेटा है। अगर मोदी फिर से सरकार में आएंगे, आरएसएस उनके सपोर्ट में है और ये दोनों मिलके इस देश का संविधान बदलेंगे, इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करेंगे और आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। और अगर आप मनुस्मृति और आर्थरसस की हुकूमत चाहते हो, परमानेंट अगर गुलामी चाहते हो तो मोदी को वोट दो। आज इलेक्शन चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है। आपको परसों के दिन वोटिंग करना है और गठबंधन के जो हमारे एमएलएज हैं, कैंडिडेट हैं, उनको अपना वोट देना है। इसीलिए मैं क्षमा तो चाहता हूं पहला, क्योंकि मुझे मैं यहाँ पर पहुंचने के लिए बड़ी देरी हो गई। एक देरी हो गई कि मोदी जी की फ्लाइट घूमते रहते हैं और हम नीचे रहते हैं, उन्हों कब उड़ेंगे और हमको कब परमिशन मिलेगा। लेकिन हम आके पहुंचे। एक है कि ये बहुत कठिन रास्ता है, ये चुनाव सबके लिए महत्व का है, ये एक किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, एक जाति का चुनाव नहीं है, एक धर्म का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है हम लोकतंत्र को बचाने का चुनाव। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उस संविधान को बचाने का ये चुनाव है। ये किसी का फायदा किसी का नुकसान नहीं है, ये देश के लिए जो फायदामंद है और देश के लिए जो सुरक्षित रखता है, ऐसा लोकतंत्र और संविधान का चुनाव है। इसके लिए हम सबको लड़ना है और खासकर जो गरीब लोग हैं वो समझे कि आपको जो वोटिंग का अधिकार मिला वो किसने दिया? क्या मोदी ने दिया? सच बोलो, क्या शाह ने दिया? लेकिन
इस देश को आजादी दिलाने वाले कांग्रेस पार्टी के नेतागण महात्मा गांधी जी ने दिलाई, राजेंद्र प्रसाद जी ने दिलाई, डॉक्टर अंबेडकर ने दिलाई, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने दिलाई, वल्लभ भाई पटेल ने दिलाई। तुम्हारा क्या काम है? तुम तो कुछ भी नहीं किए। राजीव गांधी जी, उन्हें भी अपने मां के रास्ते पे चले और देश को एक होने के लिए बचाते बचाते अपनी जान दी। एक महिला उनसे मिलने के लिए स्टेज के पहले फेर कर हाथ में माला लेकर उनको माला डालने के रूप में आई, लेकिन उसके कमर को मानवीय बॉम्ब था, इंसान को मनुष्य को मारने का बम उन्होंने अपने कमर पे खींच ली थी। यूं ही उन्होंने माला डाला राजीव गांधी जी को, बम उड़ा और राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े 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 हो गए। कोई पहचानता नहीं था उनकी सूरत कैसी है। इतना खूबसूरत आदमी और इतना अच्छा आदमी और नौजवान आदमी को किसने मारा? देश को बर्बाद करने वालों ने मारा। मोदी जी, ये हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन है, बताओ तुम्हारी कौन सी है? देश के लिए तो कांग्रेस के लोग अपनी जान तक दी, अपने स्कूल छोड़े, अपने घर छोड़े, अपने बच्चों को छोड़े और सभी ने देश की सेवा में उतर कर आपको आजाद बनाया। और आप हमको पूछते हैं ये कांग्रेस वाले कहां हैं? 70 साल में तुमने क्या किया? अरे भाई 70 साल, अब इधर इधर वो 55 साल बोल रहे ना, पहले 70 साल बोलते थे, अब 55 साल में तुमने क्या किया? अगर हम कुछ नहीं करते मोदी जी, इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचा नहीं लेते, तुम इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते थे। बनते थे? अब बोलिए, बनते थे? किसने बनाया? अरे हमने कुर्बानी की, हमारे लोग मरे, आजादी लाई, एकता रखी और हमने लोकतंत्र को बचाया, संविधान को बचाया, देश के एकता के लिए सब लोग लड़े। तुम कुछ भी नहीं किए। हमारे पास एक कहावत है, ये कहावत यह है, छोटी सी मजाक में बोल रहा हूं, मेहनत करे मुर्गा साहब और अंडा खाए फकीर साहब। मेहनत तो हम करे, ये मोदी आके सब खा रहा और उनके दोस्तों को भी खिला रहा। और एक नई बात उन्होंने खोली, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के लोग क्यों चुप बैठे हैं? अदानी अंबानी के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? अरे हम चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। जहां गलती होती है जरूर वो बाहर निकालते हैं, तुम्हारे जैसे उनको मदद करते हैं, उनके पास जाते हो, उनके प्लेन में बैठ के आके तुम शपथ लेते हो और हमको पूछते हो कि अदानी अंबानी को क्यों नहीं टीका कर रहे। हम तो टीका
जहां गलती होती करते रहेंगे किसी का भी हो। और अब इधर इधर ये भी बात उन्होंने बोलने लगे, अदानी और अंबानी टेम्पो में भर भर के कांग्रेस को पैसा भेज रही है। अरे आज तक अदानी अंबानी को बोलते थे वो इस देश की संपत्ति बनाने में बड़ा काम किया है, उनको बोलना ये गद्दारी है बोलते थे, ये देशद्रोही की बात है बोलते थे। देश बनाने वाले अदानी अंबानी इनको गालियां देते कांग्रेस वाले कहते थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को, अरे भाई वो देश बनाने वाले थे और उनके पास अगर काला धन है और वो टेम्पो में अपने घर से हमारे पास भेज रहे हैं, ऑटो में भेज रहे हैं, बस में भेज रहे हैं, कार में भेज रहे हैं, तो तुम क्या कर रहे थे? तुम सो रहे थे हो मोदी जी? तुम क्या सो रहे थे जब उनके घर से धन बाहर निकल रहा काला धन? तुम क्या कर रहे थे भाई? तुम क्या अंदर जाके लूट रहे थे, वो बचा कुचा बाहर भेज रहे थे? कांग्रेस पार्टी को बोलने वाले पहले तुम देख लो, तुम तो मान गए कि अदानी अंबानी के पास भी काला धन है और काला धन उनको देते हैं, हमको नहीं बीजेपी को देते हैं। फिर ऊपर से ये कहते हैं कि ये व्यापारी लोगों को सताते, बड़े बड़े कंपनियों को सताते राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी। तो ये मोदी जी की चाल है, कितना झूठ बोलते हैं ये साक्षी है। और लोग अभी भी चंद लोग, अब नहीं, अब बहुत कम हो गए, मोदी 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 बोलते हैं। मोदी क्या किए अभी? मोदी पहले इलेक्शन में कहा, उन्होंने कहा पहले इलेक्शन में, भाइयों और बहनों मैं आपकी सेवा में आया हूं और इस देश की सेवा करना चाहता हूं, इसीलिए मुझे अगर आप चुन के लाएंगे, इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो मैं ये कांग्रेस वाले जो काला धन बाहर रखे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो बाहर रखे हैं, वो मैं पूरा लाके आपके जोब में 15-15 लाख डालूंगा। ये बोले या नहीं बोले? क्यों तुम्हारे जबान से नहीं आ रहा, इसीलिए मैं समझू कि तुमको मिला। अरे मोदी मोदी इतना झूठ बोलता है? वो तो प्रधानमंत्री है, वो कैसा झूठ बोलेगा? आप झूठ बोल रहे हैं पैसे लेके, प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता? वो तो इतना हरिश्चंद्र का बेटा है और उसको आप बोल रहे हैं, उसको आप बोल रहे हैं नहीं मिला, झूठ बोला उसने? झूठ बोला? अरे ठीक है भाई, एक गलती माफ करो। फिर उसने 15-16 में बोला, क्या कहा? भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मैं हर साल आपको 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 10 साल में कितने नौकरियां होना? 20 करोड़ 20 करोड़ नौकरियां आपको मिले। ये क्या हर चीज को नहीं बोलते आप? मोदी जैसा आदमी झूठ बोलता है? बोल रहा है? अब छोड़ दो, ये एक गलती हो गई उससे। तीसरी बात उन्होंने कहा, क्या कहा? कि किसानों की आमदनी
उनकी जो प्रॉफिट उनकी आमदनी मैं दुप्पट करके दूंगा, 2022 तक उनकी आमदनी दुप्पट करूंगा। किसानों की आमदनी दुप्पट हो गई, वो भी नहीं, ये भी झूठ बोला उन्होंने। अरे छोड़ दो भाई, इसको भी छोड़ दो। फिर उसने ये कहा कि मैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा, अहमदाबाद से बंबई तक 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च करके बुलेट ट्रेन लाऊंगा। किनके लिए? अमीरों के लिए। क्या कम से कम बुलेट ट्रेन तो लाया? वो भी नहीं। अरे ये भी झूठ। और उसके बाद उन्होंने कहा सब मैं पटना से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी बड़े बड़े सिटीज हैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। स्मार्ट क्या बनाया सबका? ये भी झूठ। और उन्होंने ये भी कहा सभी पिछड़े वर्गों को, दलितों को और आदिवासियों को मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा और उनके उन्नति के लिए काम करूंगा। जो कांग्रेस पार्टी में 70 साल नहीं किया वो मैं करके दिखाऊंगा। क्या दिखाया? वो भी झूठ। अरे कितने झूठ बोलते हैं भाई मोदी जी, इतने झूठ बोलते मुझे मालूम नहीं था। इसीलिए मैं उनको हमेशा ये कहता हूं, मोदी जी आप झूठों के सरदार हैं। काम तो कुछ नहीं करते लेकिन गालियां देने का सीखे हैं। उठते ही कांग्रेस को गालियां देना, उठते ही सोनिया गांधी को गालियां देना, कब समय मिला राहुल गांधी को मिल, कभी कभी मुझे भी गालियां देते हैं। ठीक है तुम गालियां दो, हम गालियां खाकर भी गरीबों की सेवा करेंगे, गरीबों के साथ रहेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, हम बहुत देखे हैं। मैं तो बचपन में 6 साल का था, मेरा पूरा घर जल गया, मेरी माँ जल गई उसमें मर गई, मेरा चाचा मर गया, मेरी बहन मर गई, मेरा भाई मर गया, सब लोग मर गए, मैं एक ही उस घर में बचा। मेरे पिताजी खेत में काम कर रहे थे तो उन्होंने मुझे देखने के लिए जब आ रहा तो उधर 2-4 घर जल रहे थे 1946-47 में जल रहे, तो हमारे पिताजी मुझे उठा के बीदर से गुलबर्गा लाए, मैं एक ही बचा। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मिल में मजदूर थे भाई, मिल में मजदूर रह के मुझे पढ़ाया, ट्रेड यूनियन का लीडर बना, फिर कांग्रेस में ब्लॉक प्रेसिडेंट बना, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना, पीसीसी प्रेसिडेंट बना, अब एआईसीसी प्रेसिडेंट तुम्हारे आशीर्वाद से बना। 10 साल मैं अपोजिशन लीडर रहा और 20 साल मैं स्टेट में मिनिस्टर रहा, 5 साल केंद्र में मिनिस्टर रहा, 5 साल अपोजिशन लीडर रहा केंद्र में। कोई मुझे डराया नहीं, और कोई डराने के लिए आएगा, कोई मुझे अगर डराने के लिए आएगा मैं डरने वाला नहीं है, मैं डरा के छोड़ूंगा लेकिन डरूंगा नहीं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
और ये लोग हमेशा, ये लोग जो बोगस बात करते हैं, झूठी बातें करते हैं, ये लोग हमारे लीडर बने और हमारे सर पे बैठे हैं। और ये जो अगर मोदी फिर से सरकार में आएंगे, आरएसएस उनके सपोर्ट में है और ये दोनों मिलके इस देश का संविधान बदलेंगे, इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करेंगे और आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो और जिसको भी मिला है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनको इनके प्रति कोई प्यार नहीं है, वो प्रेम से देखने वाले नहीं है, वो सिर्फ आरएसएस को देखेंगे, बड़े कंपनियों को देखेंगे। इसीलिए आपको संविधान को बचाना है। आपको क्या बचाना है? अरे आप नहीं बोल रहे, आपको नहीं होना क्या? आपको संविधान को बचाना है, आपको लोकतंत्र को बचाना है। जब तक आप लोकतंत्र को बचाएंगे नहीं रखेंगे, फिर आने वाले हमारे पीढ़ी को इतनी तकलीफ हो जाएगी, फिर से एक मनु पैदा हो जाएगा इस देश में। और अगर आप मनुस्मृति और आरएसएस की हुकूमत चाहते हो, परमानेंट अगर गुलामी चाहते हो तो मोदी को वोट दो। अगर आप हमारे साथ आना चाहते हो देश के भलाई के लिए और इस संविधान को बचाने के लिए और जमहूरियत को बचाने के लिए आते हैं, देश में सुख और समृद्धि रहेगा। बात उठते ही कोई भी किसको ही पूछो, हमको 2/3 मेजॉरिटी दो, हम देश में बदलाव लाएंगे और संविधान बदलेंगे। मैं ये चैलेंज के साथ कहूंगा, ये गरीब लोग आज चुप बैठे, अगर संविधान बदलाव की हाथ लगाएंगे वो पूरा लोग, उनके सैकड़ों हाथ, करोड़ों हाथ एक होके तुमको मट्टी में मिलाएंगे, संविधान को खत्म करने वाले लोगों। ये सहने वाले नहीं है लोग, किस हद तक, थोड़ा हद तक सह सकते हैं। आज मोदी जी कोई चीज, मोदी जी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी है, नौकरी नहीं है, उधर देख रहे नहीं, महंगाई बड़ी है, उधर देख रहे नहीं, लेकिन वो कहीं भी जाते हैं हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे भाई क्या हो, एक प्राइम मिनिस्टर सबको बचाना है, देश को बचाना है, सुबह उठते ही हिंदू मुसलमान। मैं अहमदाबाद गया था, उन्हीं का भी भाषण वही था, मेरा भी एक भाषण वहां पर था, तो मोदी जी ने क्या कहा मालूम, आप भी पढ़े होंगे, अरे कांग्रेस हुकूमत में अगर आती है, अगर कांग्रेस को आप वोट डालेंगे तो वो लोग तुम्हारी संपत्ति मुसलमानों को बांट देंगे, अगर तुम्हारे में 2 एकड़ जमीन है 1 एकड़ जमीन मुसलमानों को देंगे, अगर तुम्हारे पास 2 तोले सोना है 1 तोला सोना उन्होंने निकाल लेंगे। यहां तक उन्होंने कहा, अगर आपके पास 2 भैंस है, भैंस 2 भैंस है तो 1 भैंस मुसलमानों को देंगे। ये क्या प्राइम मिनिस्टर भाई, आप पढ़े होंगे। और अहमदाबाद में मैं सुना हूं
ऐसे लोग हैं और इनको भैंसों के बारे में बात करने वाला, मंगलसूत्र के बारे में बात करने वाला, अगर मंगलसूत्र को हाथ लगाए तो मेरी माँ बहने चुप बैठेंगे, उसको चार तमाचे मार के भेजेंगी। हर चीज उसका ये करना, एग्जॉरेट करना, लोगों को उचकाना और लोगों को उचका के उनको भड़का कर दंगे कराना उनका काम है। अब नहीं होगा, सब समझदार हो गए, धर्म के नाम पे अब नहीं चलेगा राजकारण, काम के नाम से चलेगा, डेवलपमेंट के नाम से चलेगा, और डेवलपमेंट ये देश के लिए जरूरी है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, ये सब लोग डेवलपमेंट के तरफ देखे, इधर नहीं देखे, वो भैंस के तरफ, गाय के तरफ, क्या है वो है, कोई उसकी चिंता नहीं की। तो ये हमारे लोग हमेशा यही कहते हैं कि देखो डराना, ये उनको जाता है, ये उनको जा, आज मुसलमान को बोले, कल शेड्यूल कास्ट को बोलेंगे, परसों और कोई कम्युनिटी को, बैकवर्ड को बोलेंगे। क्यों भाई ये बात क्यों करते हो तुम? तुम तो एक देश के प्रधानमंत्री हो, तुम प्रधानमंत्री बन के सबको लेके जाना। यहां तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोग हो सकते हैं लेकिन वो मिलके है। आप हाथ को वोट डालेंगे ना? हमारा निशान कौन सा है? पंजा है। अरे यारो, तुम भी थोड़ा बोल दो हमारे तरफ से। पंजे को सन्नी हजारी पासवान कैंडिडेट तो, अरे डाल, अरे ठीक, और कौन है कैंडिडेट? देखिए, ओके पासवान, आप जीत के आओ और लोगों की भलाई करो, मोदी के जैसा झूठ मत बोलो, मैं आपको ये कह रहा हूं। हाँ, लेकिन और आखिरी बात कह के मैं अपने बात को समाप्त करता हूं, वो ये है, मंजिल बहुत दूर है। क्या है? मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है। सुन रहे हैं? मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है, और रास्ता बड़ा कठिन है, हमको चलने के लिए, उस रास्ता काटने के लिए हम सब लोग मिल के चलना है। कोई कुछ भी बोलने दो लेकिन एक होके चलना है। इसीलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आप मिल के चलो, एक होके चलो, और मोदी के झांसे में मत आओ, और पासवान को वोट दो, यही इसी में हम की भलाई है। नमस्कार।